सपा के संबल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान रहमान बर्क से सक्षम न्यूज के संवाददाता मोहम्मद कुबेर ने वार्ता। डॉक्टर बर्क ने कहा कि हम देश के अंदर सरकार की जो गाइडलाइन पर चल ही रहे हैं, भारत सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो हमने पालन किया। देश में हम मिलजुल कर रहे, हमारे देश में एकता बढ़े जिससे देश विकास की ओर जा सके। नफरत की राजनीति से देश का विकास नहीं होगा। और कहा, अब पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है, पूरी दुनिया मिलकर ये कोशिश कर रही है इसका क्या इलाज हो। अब तक न कोई वैक्सीन बन सकी है। और कहा, देश के हालात को देखते हुए मैंने गुजारिश की थी, गवर्नमेंट हमें इजाज़त देती है घरों में या मस्जिद में या ईदगाह में इस्तेमाई नमाज पढ़ने की इजाज़त देती है, तो हम इत्तियात के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा करेंगे और मुल्क की अमनो अमान और देश को इस बीमारी से निजात मिल जाए इसकी दुआ करेंगे। और अंत में उन्होंने अपील की है कि मिलजुल कर ईद के एवं रक्षाबंधन के पर्व को मनाएं, प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार की गाइडलाइंस में तो चल ही रहे हैं हम, अभी देश के अंदर और क्या कर रहे हैं। अब उन्होंने लॉकडाउन लगाया तो लॉकडाउन फॉलो किया, ये कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए उस पर अमल कर रहे हैं, और भी मतलब एक गैदरिंग नहीं हो, अननेसेसरी लोग जमा न हो, ये सारी चीज़ों पर हमने भारत गवर्नमेंट के जो भी आदेश हैं उसको फॉलो किया और सारा मुल्क कर रहा, हमें सारा मुसलमान भी कर रहा कि हम ही नहीं कर रहे हमेशा ही, आज ही कोई नई बात नहीं है, फॉलो तो हम हर वक्त कर रहे हैं। और देश में हम यही चाहते हैं कि लोग मिलजुल कर रहें और एकता बढ़े जिससे कि देश के जो मसाइल हैं वो तभी हल हो सकते हैं जब हम कोऑपरेट करें एक दूसरे से और नफरत ना फैलाएं। तो इन हालात में और हमने गुजारिश की थी इस वक्त जब चूँकि बकरीद आ गई, पहले ईद का त्यौहार हमने घरों पर अपनी नमाज पढ़ी जैसा कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी कि नमाज मस्जिदों में और ईदगाह में नहीं पढ़ी जाएगी, पांच पांच आदमियों की इजाज़त से जी सरकार ने, तो लेकिन सब मुसलमानों ने उसको फॉलो किया, अपने घरों पर ईद मनाई। आज भी मैंने इन हालात को देखते हुए मैंने यही गुजारिश की थी कि गवर्नमेंट हमें अगर आदेश देती है, इजाज़त देती है और हमें घरों पर या इन्हीं मस्जिदों में और ईदगाहों में इज्तिमाई नमाज पढ़ने की इजाज़त देती है तो हम एहतियात के साथ में जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम नमाज अदा करेंगे। ये जो पाबंदी हम पर लगाई गई है तो हालात तो वहाँ भी बहुत से, ये थोड़ी कि 300 आदमी जमा होंगे, हज़ारों आदमी जमा होगा उधर, तो ये बात और प्राइम मिनिस्टर उसका उद्घाटन करने के लिए भूमि पूजन कर जाएंगे, तो हम अब ये तो उन्हें भी हमारी हमने ये भी कहा था कि उन्हें भी देखना चाहिए कि वो खुद जाने में तो उनको सोच ये कैसे निभाएंगे, किस तरीके से इतने आदमियों को सब कुछ करेंगे, तो लेकिन इसके बावजूद वो अपना कर रहे हैं, हम पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन हमने जो पाबंदी लगाई है, जो गाइडलाइन को मत दी है, अब हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर कोई खराबी पैदा हो या हम अपनी कौम को बिला वजह अननेसेसरी कोई हालात से दो चार करें, ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए हमने यही अपील की है कि अब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है उसमें कुर्बानी करने की हमारी वो तो बात मान ली है कि कुर्बानी जैसे होती थी वैसे ही एहतियात के साथ में पर्दे से घरों में होंगी, अपने आज भी होंगी, और हमें प्रतिबंधित जितने भी जो भी जानवर है प्रतिबंधित है उस पर कोई न कुर्बानी करेगा इंशाल्लाह। और यही हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कोई इसकी हरकत न करे और उसको पूरी जिम्मेदारी से बहरहाल उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जिनकी इजाज़त है, और शरीय एतबार से हमारा तो ये उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि साहब फलाही चीज़ पर कुर्बानी की जाएगी, जो चीज़ कुर्बान की जा सकती है अल्लाह के नज़दीक जायज़ है उसी पर कुर्बानी करेंगे, तो उस पर हो जाएगी, तो हम प्रतिबंधित अब हमारी गवर्नमेंट ने उस पाबंदी उसमें लगा दी है, तो हमें उस पर कोई हमने पब्लिक से भी कहा
कि बहुत एहतियात के साथ में, बहुत जिम्मेदारी के साथ में जो लॉकडाउन है उसके मुताबिक ही, जैसे उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र पर जैसे नमाज पढ़ी गई थी उसी तरीके से नमाज अदा होगी। तो आज हम, मेरी भी यही है, अपील है, मैंने कहा कि अब जब गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, गाइडलाइन आ गई, तो हमें अपने घरों पर बहुत जिम्मेदारी के साथ नमाज अदा करनी है। कि वो अपने यही अपील करेंगे इस बार ईद मनाएँ अपनी और घरों पर मनाएँ, और अल्लाह से घरों पर भी अपने दुआ मांगें, सब कुछ करें, अपने लिए भी, सारे मुल्क के लिए, सारे इंसानों के लिए, मुल्क की भी भलाई के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।